टीपू सुल्तान के बारे में आप भी सोचते होंगे कि क्या ये अच्छा इंसान था या बुरा, क्या इसने कभी दूसरे धर्मों का नाश किया था या नहीं। पर दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदत होती है या फिर कुछ बुराई होती है। किसी एक बुराई से कोई आदमी बुरा नहीं हो जाता या फिर कोई एक अच्छाई से हर आदमी अच्छा नहीं हो जाता। तो इसके बारे में कैसे पता लगाया जाए कि टीपू अच्छा इंसान था या नहीं, तो हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों, टीपू एक बड़ा योद्धा था। ये तो हम सब जानते हैं कि टीपू 1782 में मैसूर का राजा बनता है। टीपू ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ये हम हमारे पहली वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और इन सभी वीडियो और नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। टीपू की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के साथ ही नहीं हुई थी। टीपू ने अपने आसपास के मराठा, निजाम, ट्रावणकोर के राजा को भी दबाना चाहा था। ये तो कॉमन बात है फ्रेंड्स। या अगर आप भी किसी फील्ड में अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं तो या तो आपको अपने टैलेंट को इतना अपग्रेड करना पड़ेगा कि सभी आपकी बात सुने, या फिर जो पहले से टैलेंटेड है उनको दबाना पड़ेगा। और टीपू ने भी यही किया। उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आसपास के जितने भी स्टेट से सबको दबाना शुरू किया। वह सबके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित कर सकता था, पर उसने जिस नीति का प्रयोग किया वो नीति शायद ही इतिहास में सही मानी जाए, क्योंकि उसने जितने अत्याचार या फिर गलत रास्तों का प्रयोग किया दूसरे स्टेट्स को दबाने के लिए, वो हम आपको आगे बताते हैं। 1788 में टीपू ने केरल की तरफ सेना भेज दी थी और कालीकट को पूरा बर्बाद कर दिया था। इसने सैकड़ों मंदिरों, चर्चों को चुन चुन कर गिराया था और हजारों हिंदू व क्रिश्चनों को मुसलमान बनाया था। ये सारी बातें टीपू सुल्तान के कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दरबारी इतिहासकार मीर हुसैन किरमानी ने लिखी थी। और जब टीपू ने कुर्ग पर हमला करना चाहा तो उससे पहले उसने अपना एक पत्र कमांडर को लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि तुम लोगों को कुर्ग पर हमला करना है, फिर औरतों, बच्चों, सबके सामने तलवार रख कर सबको मुसलमान बनाना है। इसके लिए चाहे तुम्हें उन्हें बंदी बनाना पड़े या फिर मारना पड़े। 10 साल पहले जब इस जिले के 10 से 15 हजार लोगों को पेड़ पर टांग दिया गया था, तब से वे पेड़ भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और इन पेड़ों पे और लाशें टांग दी जाए। सबसे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि टीपू का दूसरे धर्म के लिए कैसा नजरिया था। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि टीपू कैसा इंसान था, पर हम आपको और भी कुछ फैक्ट्स है जो बताना चाहेंगे। 1791 में तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में अपनी हार के बाद टीपू ने कई मंदिरों को दान दक्षिणा भी दी थी, पर यह कहना मुश्किल था कि उसका दिल बदल गया था या हार के बाद लोगों को मिलाने के लिए वह ये सब कर रहा था। अब आपको मेरी बात थोड़ी हवा में भी लग रही होगी, क्योंकि एक तरफ तो मैं आपको उसके हिंदुओं और क्रिश्चियंस पे अत्याचार की बातें बता रहा हूँ और दूसरी तरफ उसके मंदिरों में दान देने वाली बात बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके कोई बात हवा में नहीं है। यह बात संजीव सान्याल की बुक द ओशन ऑफ चर्न में भी लिखा हुआ है कि उसने 1791 के तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में मंदिर दान भी दिया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा था टीपू सुल्तान का कैरेक्टर, जिसने अपने जीवन काल में कई हजार लोगों, औरतों, बच्चों को मौत के घाट तक उतार दिया था। उसकी ये हत्याएं उसके कुछ दिए दान से उसके चरित्र को बदल नहीं सकती है, जो दूसरे धर्मों के लिए वह उदारता या फिर उसकी सहिष्णुता को बता नहीं सकती है, जितना कि हमें बताया जा रहा है कि वह हिंदुओं का रक्षक था या फिर वह दूसरे धर्म को उतना ही मानता था जितना कि वह इस्लाम या अपने धर्म को मानता था। तो फ्रेंड्स, ये था टीपू का रिलीजियस कैरेक्टर। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी दिख रही है उसको दबा दें फॉर हमारे न्यू अपडेट्स, जो कि आपको हमारे नए नए वीडियोज़